हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको नगरा भिन्न के बारे में बताऊंगा। आप बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, आप का ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते। बच्चों, आप देखें क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इसे हमको दिया है वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू बाई थ्री। इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों जब दिया जाता है तो हमको क्या करना होता है। तो पहले तो जो टू बाई थ्री है, टू बाई थ्री है, इसको हम टू लिखेंगे और थ्री लिखेंगे, टू लिखेंगे और ये थ्री लिख देंगे। अब टू और थ्री लिखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि वन टू थ्री फोर और फाइव है, तो ये फाइव हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, फाइव टू फोर फाइव। तो थ्री में टू जोड़ेंगे तो फाइव हो जाएगा, फाइव में थ्री जोड़ेंगे एट होगा, एट में फाइव जोड़ेंगे थर्टीन होगा, थर्टीन में एट जोड़ेंगे ट्वेंटी वन होगा, ट्वेंटी वन में थर्टीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी फोर हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर जो आएगा 34/21 आएगा और इसको हम यही हमारा आंसर हो गया। अब हमको इस प्रकार के क्वेश्चन जब देते हैं x बराबर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको कैसे करने होते हैं तो देखें, इसमें आपको क्या करना होगा। पहले आप 1 लिखेंगे जो इसका सोल्यूशन है, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और कितने बार है खाली 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 बार हम गैपिंग कर देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस तरह से ये x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वो हमारा आएगा 13/8 हो जाएगा, 13/8। और यही चीज को, इसी की वैल्यू को हमको रखना है 2x और प्लस 6/4, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × x के प्लेस पे 13/8 हो जाएगा और प्लस 6/4 होगा, तो ये 2 × 4 = 8 होगा। तो 13 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 19/4 हो गया। इस तरह से एक बार और देख लीजिए। देखिए इसमें क्या करना होता है, ये जो 1/2 है ना, तो 1 को और 2 को हम राइट कर लेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13। इस तरह से हम x की वैल्यू जो हो गई हमारी 13/8 और इसमें वैल्यू को हम जब कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, मैं आप लोगों को इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूंगा। बच्चों, यदि आपको कहीं से भी किसी कोई भी स्टेप यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे आप जरूर बताइएगा। मैं आपको आप मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे न्यू ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगल में भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न हैं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइबर के बगल में आल को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आप प्यारा सा कमेंट करिए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, या समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। मैथ में जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं, मैं आपको हर टिप्स को बताऊंगा। बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। मैं आप लोगों को उसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूंगा। तो मैं कल आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो गुड नाइट, थैंक यू वॉच द वीडियो।